आज के इस वीडियो में मेरा नाम हुआ सनी और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करेंट अफेयर्स से जुड़ा हर रोज की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्यू डंग यू को किस संगठन का महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? इसका सही उत्तर आपको देना है। आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है तो आपको चुनना है। चलिए समय की शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आपका समय खत्म हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको बता दें ये जो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में दूसरा कार्यकाल इनको मिला है और ये चीन के पहले नागरिक हैं, चीन के पहले नागरिक हैं जो इस पद पर सेवा देंगे। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना किया गया है। दुनिया भर के 194 देश इसके संगठन के हिस्से हैं और इस वक्त दुनिया भर के 130 देशों में ये काम कर रही है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के नियुक्ति किया गया है? आपको बताना है केंद्र सरकार ने किसे भारत का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया है। आपको इसका सही उत्तर देना है। आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5 आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन है। इन 5 ऑप्शन में से एक सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी और चुना किसने, केंद्र सरकार के लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर ने राष्ट्रीय सरकार सुरक्षा समन्वय के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर जो है जुलाई 2022 में 28वें सिंगल ऑफिसर इन चीफ की भूमिका निभाए हैं। आपको बता दें साइबर युद्ध, सिंगल इंजेंसी और संचालन सूचना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेष हासिल की हुई है। इस तरह से इनके बारे में बातें की गई है। और अगले प्रश्न आपके डिस्प्ले पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ताज़ा भी है, BCCI के द्वारा पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है BCCI के द्वारा पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही उत्तर होगा। चलिए समय की शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, अजीत अगरकर BCCI के सीनियर पुरुष टीम के चयनकर्ता के रूप में क्या किया गया तो उन्हें चुना गया है। आपको बता दें अजीत अगरकर भारत के पूर्व ऑलराउंडर थे और उन्होंने 110 प्रथम श्रेणी और 270 लिस्ट ए मैच खेले जबकि 62 T20 मैच भी खेले हैं। आपको बता दें भारत के लिए 26 टेस्ट, 191 टेस्ट ODI और 4 T20 मैच भी उन्होंने प्रतिनिधि किया है, भारत के लिए खेला है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत ने किस से हराकर 9वां दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीता? बताना है जो कल ही रात में हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर इस समय 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तभी 4 ही दिखाई दे रहे हैं, चलिए 4 में से मार दीजिए, कुवैत, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, कौन सही होगा आपको बताना है। आपके समय इसकी समाप्ति होती है मेरे दोस्त और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत ने कुवैत को हराकर दक्षिण एशिया महासंघ चैंपियनशिप फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर जबरदस्त मैच हुआ था और दूसरी बार पेनल्टी शूट में उन्होंने जीता। इससे पहले सेमीफाइनल में भी जीता था और इस दफा भी जीता है। 4 जुलाई 2023 को इसका फाइनल हुआ है। कहाँ पे हुआ है तो बेंगलोर में हुआ है। कितने दर्शक आए थे, 23,000 के आसपास दर्शक आए हुए थे जो काफ़ी बड़ी बात है और पेनल्टी शूट आउट में इन्हें भारत को जीत मिली है जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बधाई के योग्य है। चलिए दोस्तों खेल से आगे बढ़ते हैं और एक और खेल की तरफ ही हम चलेंगे। डूरंड कप टूर्नामेंट का 132वां संस्करण
किस शहर में आयोजित किया जाएगा आपको बताना है। 132वां संस्करण यानी कि बहुत पुराना ये कप है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे रहा है। पांच ऑप्शन है, इन पांच ऑप्शन में से एक सही चुनना है। चलिए समय की शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5, ये रही आपका समय ख़त्म हुआ। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि होगा कोलकाता में शुरू होने वाला है। कब से होगा? 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 के बीच में। डूरंड कप 132वां संस्करण कहाँ होगा? कोलकाता में होगा। और यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस दफ़ा जो होने वाला है इसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ 24 टीमें इसके अंदर भाग लेगी। और इसकी शुरुआत 1888 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1888 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलेंगे, इसका सही उत्तर आपको बताना है। 2023 के लिए IFAF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया आपको बताना है, किनका नाम दिया गया आपको बताना है। आपकी डिस्प्ले पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक आपको सही चुनना है। तो आपका समय शुरू होता है अब, 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों समय की समाप्ति होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर है लिलियान ज्वाला चोंगो को 2023 का IFAF पुरस्कार फुटबॉल ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। और बता दें ये जो है भारत के एक मिडफील्डर हैं और ये भारत के मणिपुर स्टेट के रहने वाले हैं। और अभी तक इन्होंने 20 मैच में 10 गोल किए हैं और 6 असिस्ट भी किए हैं, कहीं सहायता भी किए हैं गोल करने में। और इनकी एज 22 साल है, तो भारत का भविष्य जो है काफ़ी उज्ज्वल है और ये काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। किनसे? तो भारत के कप्तान सुनील छेत्री से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, हाल ही में जून 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया आपको बताना है। और इसे भारत के प्रधानमंत्री ने ही इनको बनाया है। तो आपकी डिस्प्ले पर एक दफ़ा फिर से पांच ऑप्शन है, इजराइल, ईरान, रूस, तुर्की और स्वीडन, इनमें से एक सही देना है। समय की शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों समय की समाप्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी, ईरान। ईरान जो होगा सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि भारत के द्वारा ईरान को अभी हाल ही में मनाया गया है। ईरान इसकी संघाई जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी, चीन के शिखर सम्मेलन के तहत हुई थी। और इसके अंदर भारत भी हिस्सा है। और इस दफ़ा जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो भारत की मेज़बानी में हो रहा है। और ईरान जो था पिछले 15 साल से वेटिंग लिस्ट पर चल रहा था और अब भारत में जाकर इनको इस संगठन का हिस्सा बनाया गया है। आपको बता दें 2017 में पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर है, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कनेक्शन सेंटर के उद्घाटन किया आपको बताना है। आपकी डिस्प्ले पर पांच ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। चलिए समय की समाप्ति होती, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश जो होगा बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा? तो वर्चुअल के द्वारा ऑनलाइन ही इसका उद्घाटन कर दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, आपको बताना है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई आपको बताना है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर चलिए चार ही ऑप्शन मान के चलते हैं, लखनऊ, चंडीगढ़, राजकोट, चेन्नई, इनमें से आपको एक सही उत्तर देना है। इनमें से एक सही उत्तर आपको देना है। समय की शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। चेन्नई में चेन्नई पुलिस ने क्या किया है, तो 3.6 करोड़ रुपये खर्च करके ड्रोन निगरानी सिस्टम जो है अपने यहाँ लॉन्च किया है। और इसे बोला गया है पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है, जिससे लोगों को पकड़ने के लिए जो
अपराधी हैं उनकी गतिविधियों को पकड़ने के लिए, मॉनिटर करने के लिए काफ़ी मदद करेगा और काफ़ी अच्छा होगा। ये भारत का पहला पुलिस सर्विस होगा। अंतिम और आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं आज का। आपको बताना है किंग चार्ल्स द्वितीय और रानी कैमिला हाल ही में तारा पुरस्कार से किसे प्रदान किया, आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर फिर से 5 ऑप्शन है, एक सही होगा। चलिए समय की शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 समय समाप्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कार्तिकेय गोसले को इनको दिया गया है तारा पुरस्कार। और किंग चार्ल्स कौन है भैया? तो किंग चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के हाल ही में राजा बने हैं महारानी विक्टोरिया के मरने के बाद। और ये पुरस्कार भैया हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार के तहत प्रदान किया गया है। और इस तरह से आज का हमारा करंट अफेयर ख़त्म होता है। और ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, हर रोज़ आपके लिए ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे।